अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आया हूँ अपने भाई के घर। यहाँ पे मैं मिस्त्री का वेट कर रहा हूँ। वो सामने वालों के तो मिस्त्री लगे हुए हैं, लेकिन हमारा मिस्त्री अभी तक नहीं आया। अच्छा, काम सिर्फ यही रहता है। ये मेरे भाई का घर है, तो यहाँ पे सिर्फ मार्बल अब बाकी रह गया लगने के लिए। बाकी सारा कंप्लीट हो गया, अंदर कमरे में भी। तो सामने वालों का घर आपको दिखाएंगे, विज़िट करवाएंगे। आपने ये बताना है कि ये नक्शा प्यारा बनाए या वो प्यारा बनाए। दोनों घरों का रिव्यू करूंगा मैं। यार सही कहते हैं कि इंतज़ार जो करना है ना, बहुत मुश्किल काम है। किसी का भी इंतज़ार हो, इंतज़ार इंतज़ार होता है। अभी जैसे मुझे मिस्त्री का इंतज़ार है, काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। चार पाई डाली हुई है, पंखे चला के बैठा हुआ था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है इसे लाजमी प्रेस कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहे। दरवाज़ा लॉक हुआ है, पता करते हैं। अल्लाह करे मिस्त्री साहब आ गए हो, देखते हैं क्या बनता है। कौन आया? कौन? ये रहे हमारे मिस्त्री साहब। ये अब आ चुके थे। मैं दो घंटे से वेट कर रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके। छोटा मिस्त्री ना लगा, माशा काफ़ी लेट कर देती है उस्मान भाई। ये अभी उस्मान भाई ने बताया है कि एक टाइल लगेगी, उसके बाद बॉर्डर पे ये लगेगा, ऐसे डिज़ाइन बनेगा। ये वाली पट्टी जो पड़ी हुई है ब्लैक, ये नहीं लगी। बाहर काम हो रहा है। यहाँ पे पहले गोल सी बनाई हुई थी स्टेप, वो तोड़वा के अब इसको सीधा करवा। ये पूरा इस जितना स्टेप बनेगा। ये स्टेप की शेल्फ आई पड़ी है, इस साइड से ये पॉलिश हुई हुई है, उसी साइड से ये उल्टी पड़ी हुई है, इसलिए पॉलिश वाली साइड नज़र नहीं आ रही। कहते हैं रौनकें जो होती हैं वो बच्चों से होती हैं। ये स्कूल से अभी आया। दोपहर के टाइम घर जा रहा हूँ, जाके चूज़ों की कंडीशन देखते हैं। गर्मी बहुत है, उनका पानी वगैरह चेंज करते हैं। ये हमारे व्लॉगर व्लॉग्स भाई मुनीब, इनके चैनल का नाम है। किधर जा रहे हो? मैं ये खाना देने जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और ये है जनाब हमारा घर मेन जो है, वो छोटा घर बाइक है। अच्छा जी, छत पे आ गया हूँ मैं, अभी चूज़ों की कंडीशन देखते हैं क्या कर रहे हैं। गर्मी बहुत है छत पे, धूप है माशाल्लाह।
इनका पानी भी पड़ा अभी तक, पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं, सही है, गर्म नहीं है, सही है। बाकी इनको भी प्याज वगैरह काट के खिलाता हूँ। दोस्तों गर्मी का मौसम है, ज़ाहिर बात है हर जानदार को गर्मी सर्दी लाजमी लगती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी छत पे इस तरह का कोई पॉट ले लें, बर्तन ले लें, उसमें पानी वगैरह लाजमी भर के रखा करें। अभी यहाँ पे धूप आ गई, हम इसको छांव पे रखते हैं। इसमें ये जो नज़र आ रहे हैं ये रोटी के टुकड़े, छत पे कौवे वगैरह आते हैं, वो पानी भी पीते हैं और अपनी तलब के हिसाब से यहाँ से रोटी के टुकड़े भी खा लेते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट आप लाजमी करके रखा करें, ये बड़ा सवाब का काम है। गर्मी तो शदीद पड़ रही है छत पे। ये चूज़े मैं बच्चों की तरह पाल रहा हूँ, हर घंटे बाद दो घंटे बाद अगर घर में मौजूद हूँ तो लाजमी इनके पास चक्कर लगाता हूँ। सारी बात है ये मैंने रखे हुए हैं तो इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ इनको अच्छे से अच्छा माहौल फराहम किया जाए, अच्छे से अच्छी केयर की जाए इनकी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। छत से नीचे आया हूँ, गर्मी बहुत है, कूलर में पानी भरा है और अब इसको चलाते हैं। डीसी वोल्टेज का ये बड़ा मसला है कि इसके ना आपको प्लस नेगेटिव देख के लगाने पड़ते हैं। अगर ये देख के नहीं लगाऊंगा तो फैन तो चल जाएगा लेकिन उल्टा चलेगा, इसके मोटर का जो पंप है वो ख़राब होने के बड़े चांस होते हैं। गराज काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, साइडों पे इन्होंने ब्लैक और वाइट का बॉर्डर बनाया, लेकिन दरमियान में ये पैनल पड़ा हुआ है, ये गराज के लिए लेके आए थे, बट उस्मान भाई लगा नहीं रहे। इनको बहुत कहा है कि ये लगा दें लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा ही प्यारा लग रहा, बट वो अब आ गया है, पैनल तो लगवाना तो है। बाकी इसके स्कर्टिंग और सामने स्टेप जो हैं उनकी शेल्फ ये सुबह कंप्लीट करेंगे। उस्मान भाई बहुत अच्छे कारीगर हैं, इनका नंबर मैं ऊपर दे दूंगा। जंग में जिसको भी मार्बल का काम करवाना हो इस नंबर पे लाजमी रब्ता कर लें, मार्बल एंड टाइल एक्सपर्ट उमर उस्मान पे। हाँ नहीं ऊपर लिख दूंगा ना वीडियो में। वैसे इनका नंबर है 03156509393। इन्होंने बॉर्डर पे वो काली पट्टी नहीं लगाई, ये डिज़ाइन बनाया वाइट और ब्लैक का ऐसे कर। मैं भी इसके आ रही थी, मेरे भाई ने पकड़ ली। मैं भी क्या हुआ है, क्या हुआ मैं भी
अंदर बजाओ। इधर आगे आगे बता बता, आप बता क्या हुआ है, क्या हुआ है बता ना। मिट्टी अंदर में मिट्टी चली गई है। किसने डाली है मिट्टी? अम्मा सही ने मुझे ऊपर चढ़ाया, मेरी मिट्टी चली गई। यहाँ से गिर जाओगी, ऐसे ना करो। मैंने वो लेना है। हाँ उसको दे दे। अरे ये तो ब्लू हो गई तेरी जबान, भाग गई है वो, देख भाग रही है, ब्लू हो गई जबान। मेरी तरफ।